नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भोपाल हर साल की भांति इस साल भी दशहरे के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण का दहन राजधानी भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान पर रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। बारिश में पुतले भीग गए थे। बारिश के चलते पुतलों पर बरसाती ढकी गई थी, पुतले थोड़े गीले हो गए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय समेत कई नेता और अधिकारी विशेष रूप से इस मौके पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में रावण दहन किया गया। इस दौरान कई जगहों पर रामलीला मंचन से लेकर रंगीन आतिशबाजी के नजारे भी दिखे। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों, आज के विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अरे तालियों का बजाओ, आपको मैंने बधाई दी है। नवरात्र के नौ दिन माता की आराधना शक्तिशाली देवियों की आराधना सभी समाज के लोग माता के घर में गाते गाते देवियों का सम्मान करते हैं। नौ दिन के बाद ये दसवां दिन यानी विजयदशमी। आज के दिन प्रभु रामचंद्र जी ने रावण एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। कई उनके पास शक्ति थी मगर नीतियां अच्छी नहीं थी। उसके लिए रामचंद्र प्रभु जी को उसको संहार करना पड़ा। आज सभी जगह कहीं अपने को दिक्कत देने वाली कहीं ऐसी प्रवृत्ति होती है तो बोला जाता है कि ये रावण की नीति है। जान बूझ कर भी समाज में ऐसी प्रवृत्ति करने वाले को कभी साथ न दिए जाए। अच्छा समाज तभी तैयार होगा कि अपन को मनुष्य का अवतार मिला है। कई बार मेरे उद्बोधन में बोलता हूँ कि सारे सृष्टि में देखो तो एक मनुष्य को ही भगवान ने वाचा दी है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, अपने खुद के लिए मजा करने के लिए नहीं है। अपना तो ख्याल रखना है, अपना परिवार का भी ख्याल रखना है, मगर पिछड़े हुए समाज है उसके लिए भी अपना जीवन काम आए, उनको कोई ना कोई सहयोग करना हमारे में शक्ति है। तो उसको ध्यान रखकर ऐसे पिछड़े हुए समाज को अपन सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी प्रभु रामचंद्र का ही कार्य हम कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।